ओम साई राम। शिरडी साई बाबा का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं और उन्हीं भक्तों को रहने के लिए शिरडी ट्रस्ट की तरफ से बहुत सारे भक्त निवास बने हुए। तो उन भक्त निवास में आपको एसी रूम, नॉन एसी रूम, इन रूम के रेट्स क्या होंगे, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से रूम का बुकिंग करना है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है। शिरडी ट्रस्ट के भक्त निवास में आप मात्र 20 रुपये में भी रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले भक्तों को ये बात पता नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। शिरडी में साई ट्रस्ट के 5 भक्त निवास बने हुए हैं। उन्हीं भक्त निवास में से एक भक्त निवास में अभी हम है, जिसका नाम है साई बाबा भक्त निवास स्थान। यह भक्त निवास साई बाबा के मंदिर से 1 किलोमीटर के दूरी पर है और इस भक्त निवास में टोटल 540 कमरे बने हुए हैं, जिसमें 2 बड़े हॉल, डॉर्मेट्री हॉल भी शामिल है और इस भक्त निवास में एक साथ 3,500 भक्तगण रह सकते हैं। साई बाबा भक्त निवास में 509 एसी रूम्स बने हुए हैं और एक रूम के अंदर 2 से 3 लोग रह सकते हैं और 24 घंटे का रेंट 200 रुपए का होता है। और इस भक्त निवास में 11 बड़े बड़े हॉल्स बने हुए है और इन हॉल के अंदर 500 से भी अधिक भक्तगण रह सकते हैं और इन हॉल का किराया 300 और 500 रुपए का होता है। और इस भक्त निवास के अंदर 25 डोरमेट्री बेड वाले हॉल्स बने हुए हैं। एक हॉल के अंदर 11 लोग रह सकते हैं और इसका 24 घंटे का किराया 600 रुपए का होता है। और इस भक्त निवास में एक ही एसी वाला रूम बना हुआ है, जिसका 900 रुपया रेंट है। अगर आपके साथ में ज्यादा लोग है तो पर पर्सन 50 रुपीस एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। और भक्त निवास के अंदर गर्म पानी के साथ में ठंडे पानी की भी सुविधा होती है। शिरडी साई ट्रस्ट की तरफ से भक्त निवास के बाहर ही कैंटीन सर्विस भी चलाई जाती है। इस कैंटीन में आपको 2 रुपए में चाय, 3 रुपए में दूध और कॉफी और 1 लीटर पानी की बोतल 10 रुपए में दी जाती है। और इस भक्त निवास से साई बाबा के मंदिर तक जाने के लिए निःशुल्क बस सर्विस भी चलाई जाती है। और रूम बुकिंग करने के लिए आप यहाँ पर काउंटर पर आकर भी बुकिंग कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपको किस तरह से बुक करना है, ये वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी हम आ चुके हैं शिरडी साई ट्रस्ट के दूसरे भक्त निवास पे, जिसका नाम है द्वारावती भक्त निवास। यह भक्त निवास मंदिर का सबसे पास वाला भक्त निवास है, जो की साई बाबा मंदिर से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर है। द्वारावती भक्त निवास में टोटल 316 रूम्स बने हुए हैं, जिनमें से 80 रूम एसी है और बाकी सारे नॉन एसी है। और इस भक्त निवास में बड़े बड़े हॉल्स भी बने हुए हैं, जिनमें 10 से 12 लोगों की फैमिली आराम से रह सकती है। और साथ ही में यहाँ पर डोरमेट्री की भी फैसिलिटी है। अगर आप इस भक्त निवास में एसी रूम लेते हो तो 24 घंटे का एसी रूम का 900 रुपये रेंट लिया जाता है और नॉन एसी का 500 रुपया रेंट लिया जाता है। अगर आपके साथ में ज्यादा लोग हैं तो पर पर्सन 50 रुपीस एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। यहाँ पर ऑफलाइन रूम अवेलेबल होने पर काउंटर से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा वेटिंग एरिया भी बना हुआ है। भक्त निवास के सामने ही बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल सा गार्डन भी बना हुआ है और ये गार्डन सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक भक्तों के लिए ओपन होता है। और इस भक्त निवास में भी शिरडी साई ट्रस्ट की तरफ से कैंटीन सर्विस दी जाती है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया भी बना हुआ है। और इस भक्त निवास में 2400 घंटा बिजली और पानी की सुविधा है। अभी हम आ चुके हैं शिरडी साई ट्रस्ट के सबसे बड़े भक्त निवास में, जिसे बनाने में 100 करोड़ से भी अधिक खर्च आया था, जिसका नाम है साई आश्रम भक्त निवास। यह भक्त निवास साई बाबा मंदिर से 2 किलोमीटर के दूरी पर है और साई बाबा भक्त निवास से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर है। साई आश्रम भक्त निवास में 1500 से भी ज्यादा रूम्स है, जिनमें से 1152 नॉन एसी और 390 एसी रूम है। और ये भक्त निवास चेन्नई के साई ट्रस्ट के द्वारा बनवाकर शिरडी साई ट्रस्ट को हैंडओवर किया गया था। अगर आप साई आश्रम में रूम लेते हो तो यहाँ पर एसी का 600 रुपीस 24 घंटे का रेंट लिया जाता है और नॉन एसी का 250 रुपीस रेंट लिया जाता है। और एक रूम में 5 लोग रह सकते हैं
और एक्स्ट्रा पर्सन का 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। सीजन के समय में साई भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तब उस समय पर साई बाबा संस्थान की तरफ से इस बड़े से शेल्टर में साई भक्तों को रुकने के लिए सुविधा की जाती है। शिरडी साई संस्थान के सभी भक्त निवास में आपको इस तरह के छोटे छोटे काउंटर नजर आएंगे। यहाँ पर आपको शिरडी साई ट्रस्ट के द्वारा मात्र 5 रुपए में ही ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता वितरित किया जाता है, जो कि आपको 10 या 11 बजे तक मिलता है। साई आश्रम भक्त निवास से भी फ्री बस सर्विस चलती है और ये बस आपको शिरडी साई बाबा के मंदिर तक लेकर जाती है और साई प्रसादालय तक भी लेकर जाती है। हर 15 मिनट में ये बस की सर्विस अवेलेबल होती है और साई बाबा के जितने भी भक्त निवास है सभी जगह से शिरडी साई संस्थान की तरफ से ये फ्री बस सर्विस चलाई जाती है। साई आश्रम भक्त निवास में भी शिरडी साई ट्रस्ट के द्वारा कैंटीन की सर्विस दी जाती है। अभी मैं आ चुका हूँ साई धर्मशाला भक्त निवास पे। ये वाला भक्त निवास जो साई प्रसादालय है वहाँ से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है और साई बाबा मंदिर से ये 2.5 किलोमीटर के दूरी पर है। साई धर्मशाला भक्त निवास में डोरमेट्री तथा हॉल की सुविधा है और डोरमेट्री हॉल में एक साथ 18 लोग रह सकते हैं और इस भक्त निवास में 24 घंटे के लिए मात्र 20 रुपए पर पर्सन लिए जाते हैं। शिरडी साई ट्रस्ट का ये सबसे सस्ता रहने के लिए भक्त निवास है। शिरडी बस स्टैंड के पास में ही एक छोटा सा भक्त निवास बना हुआ है। यहाँ पर 14 रूम और 4 बड़े हॉल बने हुए है और यहाँ पर 24 घंटे का किराया 300 से लेकर 600 रुपए का है और शिरडी में और भी बहुत सारे भक्त निवास बने हुए हैं, जैसे कि साई निवास गेस्ट हाउस। यहाँ पर 24 एसी रूम बने हुए और जिनका 24 घंटे का रेंट 900 रुपए का है और साई उद्यान बिल्डिंग में 16 छोटे रूम, 20 बड़े रूम और 12 बड़े हॉल बने हुए और यहाँ पर रूम का रेंट 100 रुपए से लेकर 500 रुपए का है और शांति निकेतन बिल्डिंग में 15 नॉन एसी रूम बने हुए और वहाँ पर 24 घंटे का रेंट 300 रुपए से लेकर 400 रुपए का है और सेवाधाम बिल्डिंग में 60 नॉन एसी रूम बने हुए हैं और यहाँ पर 24 घंटे के लिए 100 से 200 रुपए का रेंट लिया जाता है। शिरडी साई ट्रस्ट के भक्त निवास में रूम बुकिंग करने के लिए आप ऑफलाइन काउंटर में आकर भी रूम बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रूम अगर अवेलेबल होगा तो जो पहले आता है उन्हीं को रूम मिलता है। इससे अच्छा होगा कि आप पहले से ऑनलाइन रूम बुक करा कर रखना। शिरडी साई ट्रस्ट के भक्त निवास में आपको ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए आपके गूगल में आ जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है www.sai.org.in और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है और फिर आपको ये वाली साइट ओपन होते हुए नज़र आएगी और यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा ऑनलाइन सर्विसेज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा एकोमोडेशन बुकिंग। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल करते ही आपको साई आश्रम, द्वारावती, साई बाबा भक्त निवास, सभी भक्त निवास की लिस्ट आ जाएगी। यही से आपको बुकिंग करना है। ये साई बाबा ट्रस्ट की ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको बुकिंग करने से पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना होगा, तभी जाके आप आगे की बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।